सबसे पहले बात करेंगे डेंगू के डंक को लेकर, क्योंकि डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच में स्वास्थ्य विभाग ने अब जीका वायरस को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि अब तक उत्तराखंड में इसका कोई भी मामला सामने नहीं आया, फिर भी एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर टीसी पंत ने सभी जनपदों को सतर्क रहने और एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए हैं। महानिदेशालय ने इस बारे में हेल्थ एडवाइजरी जारी की और इसमें कहा गया कि जीका वायरस से संबंधित मामलों की जांच पड़ताल के लिए सर्वेलांस टीम को एक्टिव मोड पर रखा जाए, जिला स्तर पर रिस्पांस टीम बनाने और जीका का कोई भी मामला सामने आने पर संबंधित मरीज को जल्द इलाज की सुविधा सुनिश्चित की जाए, राजस्थान खासतौर पर जयपुर से आने वाले मरीजों पर विशेष नजर रखी जाए और जीका वायरस से पीड़ित मरीज के बारे में तत्काल जानकारियां दी जाएं। तो पहले से ही डेंगू के डंक से उत्तराखंड परेशान रहा है और अब जिस तरीके से जीका वायरस को लेकर स्वास्थ्य महकमे के माथे पर शिकन देखने को मिली है, यह परेशान करने वाली है। जी मीडिया संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़े हैं। रामानुज, अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो पहले से ही डेंगू के डंक ने सभी को डस रखा है, हम सभी परेशान थे, अब एक और नया खतरा जिसको लेकर संदेह जाहिर किया गया है, तो क्या तैयारियां इसके लिए की गई हैं और किस प्रकार खतरे की आशंका को लेकर ये तैयारियां की जा रही हैं? शुभांकर, स्वास्थ्य विभाग ने सबसे पहले जिस तरह से देश में कई राज्यों में जीका वायरस के मरीज सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर एक कदम उठाते हुए अलर्ट जारी किया है, और जैसे आपने भी जिक्र किया कि चूंकि उत्तराखंड की जो विषम भौगोलिक परिस्थिति है और उस जैसे राज्य में अगर इस तरह की स्थिति आती है तो यकीनन ये स्वास्थ्य विभाग के लिए किसी चिंता के विषय से कम नहीं है, और इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और आपने देखा कि अभी जो प्रदेश की स्थिति है, 472 से अधिक डेंगू के मरीज की पुष्टि हो चुकी, हाल में 2 मरीजों की मौत हो गई है, तो उसके चलते अब जीका वायरस का खतरा जो मंडरा रहा है उसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और आप भी जानते हैं कि जीका वायरस का जो सिम्टम्स होता है, जो इसके लक्षण होते हैं, ये सामान्य तौर से डेंगू के मरीज के ही जैसे होते हैं, कि यानी अगर किसी मरीज को लक्षण नजर आता है तो उसमें 2-3 इसके पॉइंट्स हैं जो सामान्य तौर पर देखे जा सकते हैं। एक तो सामान्य बुखार जुखाम होता है, गले में खराश होती है और शरीर में जोड़ों में दर्द होती है, ये इसकी पहचान होती है कि अगर 5-6 दिनों तक मरीज इस तरह से है तो उसको मेडिकल की जो चेकअप होता है, मेडिकल की जो जरूरत पड़ती है उसको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकता है। और चूंकि जीका वायरस का जो है इसमें सबसे बड़ा खतरा इस बात का होता है कि अगर किसी गर्भवती महिला को होता है तो उसके जो नवजात बच्चा होता है उसके मस्तिष्क के डेवलपमेंट पर सबसे बुरा असर पड़ता है, और इसको मेडिकल की लैंग्वेज में कहते हैं कि माइक्रो सीफेलसी एक बीमारी होती है, वो उसके चलते उसका मस्तिष्क जो होता है विकास रुक जाता है, यानी कि जीका वायरस काफी खतरनाक है। एक तो इसलिए कि किसी गर्भवती महिला को होगा तो उसका जो है किसी न किसी तरह से उसको नुकसान तो उसकी माँ को है, लेकिन बच्चे का मस्तिष्क का विकास रुकता है। तो इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने एक एहतियात के तौर पर कदम उठाया और प्रदेश के सभी सीएमओ को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। अब आप अच्छी तरह से जानते भी है कि चूंकि भारी संख्या में लोग जो है सैलानी पूरे देश भर के यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे में जिन राज्यों में खासतौर से राजस्थान से अगर किसी तरह का कोई मरीज आता है तो उसको मेडिकल चेकअप ली जाए, या अगर कहीं कोई किसी तरह का लक्षण आता है नजर तो उसको बराबर देखा जाए, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बार बार स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा था कि घरों में जो बारिश के बाद पानी इकट्ठा हुआ है, चाहे वो कूलर है, चाहे उनकी छतों में है, टंकी में है, या टूटे पुराने बर्तनों में है, साफ पानी रहता है तो जो जीका वायरस है वो एडीज मच्छर से पनपता है। तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि घरों की साफ सफाई, लोगों की जागरूकता और नगर निगम साथ में नगर पंचायतों के साथ मिलकर के एक अभियान चला करके लोगों को जागरूक किया जाए, चूंकि इस वायरस का लक्षण तो सामान्य तौर पर देखा जा सकता है लेकिन इलाज काफी जो है इसका अभी इतना कारगर नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तरफ से यह कदम उठाया है। फिलहाल अभी पूरे प्रदेश में किसी तरह से कोई मरीज सामने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से दूसरे राज्यों में मरीज सामने आ रहे हैं। अब यहीं से एक सवाल मेरा आता, क्योंकि आपने बड़ी अहम और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां अलग अलग विषयों को लेकर हम तक दर्शकों तक पहुंचाई, आपने ये भी बता दिया कि कैसे बचाव किए, तमाम चीजें, लेकिन दो सवाल अब रामानुज जहन में आते हैं। एक सवाल तो यह आता है कि जो बाहर से लोग उत्तराखंड आ रहे हैं उनमें कैसे आप ये पहचान करेंगे कि वो इस वायरस से ग्रसित है या नहीं है, इसको लेकर कैसे आइडेंटिफाई होगा? दूसरा,
आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आप जागरूक करेंगे, जागरूकता से रोक सकते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति में, हालांकि अभी नहीं है, लेकिन अगर वायरस पाया जाता है तो उसके बाद का इलाज को लेकर या बाकी चीजों को लेकर किस प्रकार से है, या अगर किसी में इलाज पाया जाता है तो आगे और ना फैले, इसकी रोकथाम को लेकर कोई व्यवस्था? शुभांकर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दर्शकों के लिए भी कि, और जैसे आपने कहा कि अगर कोई देश के किसी भी कोने से सैलानी आता है, चूंकि आजकल त्योहारों का सीजन है, भारी संख्या में एक बार फिर उत्तराखंड लोग पर्यटन के नजरिए से आते हैं, तो एयरपोर्ट पर यह कहा गया है कि सबसे पहले अगर कोई भी यात्री आ रहा है, किसी तरह से अगर उसको मेडिकल की जरूरत पड़ती है तो कोशिश मेडिकल विभाग की यही है कि वहाँ पर एक टीम रखी जाए, और ताकि अगर किसी तरह से कोई सैलानी आता तो उसका चेकअप किया जाए। इसी तरह से रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर भी बात कही गई है, लेकिन फौरी तौर पर अभी ऐसा कोई विशेष इंतजाम किया नहीं गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस बात का जरूर दावा किया है कि कोशिश की जाएगी कि हेल्थ चेकअप पोस्ट जो है वो रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और एयरपोर्ट पर की जाए। एक तो ये है, दूसरा जो आपने बताया कि व्यवस्था किस तरह से की गई है, स्वास्थ्य विभाग ने पहले अभी जितने प्रदेश के सीएमओ हैं 13 जिलों के, उनको ये कहा है कि इसके लिए आइसोलेटेड वार्ड की बहुत जरूरत होती है, यानी कि ये एडीज जो मच्छर होता है जिससे ये वायरस फैलता है, उसकी रोकथाम का सबसे बड़ा यही एक उपाय हो सकता है कि जो मरीज है, मरीज के कॉन्टेक्ट में दूसरे सामान्य तौर पर लोग ना आए, क्योंकि मच्छर से ये अगर फैलने वाली बीमारी है तो ये इन्फेक्शन दूसरे को भी हो सकता है, यानी मच्छर के काटने से। तो स्वास्थ्य विभाग ने यह कहा है कि ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों में आइसोलेटेड वार्ड बनाए जाए, और चूंकि WHO का ये गाइडलाइंस दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा बचाव यही पॉसिबल है कि लोग इससे अवेयर रहें, इससे जागरूक रहें, तो इसका सबसे बढ़िया बचाव है। निश्चित तौर पर तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामानुज। आपने दर्शकों को कैसे सजग किया जाए कि वो इस वायरस से बच सकते